Hello everyone, I welcome you all to my class. Hope you are doing well. So today's video is for our parents. Okay, so as we all know, nowadays due to current situation, everything is running online. Okay, बच्चों के स्कूल्स भी है वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं. एंड पहले हम लोग बच्चों के हाथ में सेलफोन्स, लैपटॉप्स, टैब कुछ भी नहीं देते थे. बट ड्यू टू करंट सिचुएशन मोबाइल ये तो नेसेसिटी बन गई है. ओके, मोबाइल और लैपटॉप्स के सिवाय बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं. सो ऐसी सिचुएशन में ऑल द टाइम उनके हाथ में मोबाइल ही रह रहा है. बट देर आर सम एक्टिविटीज विच वी कैन डू इट एट होम. एंड सो टूडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू कीप देम अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स. ओके, मतलब पढ़ाई के लिए तो मोबाइल लैपटॉप हाथ में आ ही रहा है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम ऑल्सो दे आर यूजिंग फोन्स. ओके, सो हमें क्या करना है उन्हें मोबाइल से दूर रखने के लिए. देर आर मेनी एक्टिविटीज एंड दैट आई एम गोना एक्सप्लेन यू वन बाय वन. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट इट देन प्लीज डोंट फर्गेट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. एंड ऑल्सो डोंट फर्गेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड डोंट फर्गेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन. ओके, सो यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन आई अपलोड द वीडियो. सो ओके, नंबर वन टिप इज रीडिंग. वॉट यू हैव टू डू, रीडिंग. सिंपल स्टोरी बुक्स है जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, छोटे 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 स्टोरी बुक्स रहते हैं, वो आप बच्चों को दे सकते हो. थोड़े थोड़े दो तीन सेंटेंस करके क्या करना है आपको, उन्हें रीड करके दिखाना है और उन्हें भी रीडिंग सिखानी है. ओके, एज पर देयर एज ग्रुप आप उन्हें क्या कर सकते हो, रीडिंग दे सकते हो. मतलब क्या होगा, उन्हें रीडिंग की हैबिट हो जाएगी. ओके, सो रीडिंग ये फर्स्ट थिंग हो गई. और जितना वो रीड करेंगे उतनी उनकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी. ओके, डेली दे विल गेट न्यू वर्ड्स. एक स्टोरी अगर उन्होंने पढ़ ली तो आई एम श्योर एक स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स दे विल फाइंड आउट. ओके, सो जैसे आप स्टोरी रीड करोगे दे विल गेट मेनी वर्ड्स और वो वर्ड्स के वो मीनिंग ढूंढ लेंगे या फिर दे विल आस्क यू अबाउट देयर मीनिंग्स. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको उन्हें हेल्प करना है वो मीनिंग बताने के लिए और बच्चे को डेली रीडिंग भी देना है. ओके, सेकेंड नंबर आता है इंडोर और आउटडोर गेम. एज पर सिचुएशन यू कैन सिलेक्ट द टाइप ऑफ गेम. सपोज नाउ इफ इट्स रेनिंग आउटसाइड देन यू कैन गिव देम सम इंडोर गेम्स. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड ऑफकोर्स दे कैन गो आउट टू प्ले. मतलब जैसे सिचुएशन है वैसे आपको बच्चों को एनकरेज करना है कि वो गेम खेले. वैसे बहुत से इंडोर गेम्स है जो मोबाइल के सिवा भी आप लोग खेल सकते हो. और ऐसा ही मैंने इंटरेस्टिंग गेम है जो प्रीवियसली अपलोड किया है. सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच इट. अगर ऐसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिकल एक्टिविटी आप घर पे बनाओगे तो ऑब्वियसली आपके बच्चे उसे पसंद करेंगे एंड दे प्ले विथ इट. ओके, सो बच्चों को क्या करना है, इंडोर और आउटडोर जैसे सिचुएशन है वैसे गेम्स खेलने के लिए एनकरेज करना है. उन्हें आउटडोर गेम्स भी होने चाहिए बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट. आजकल के बच्चों को बस सेलफोन्स पे गेम खेलना आता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑफकोर्स आउटडोर गेम्स जो है वो कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, बैडमिंटन या फिर रनिंग रेस. ओके, कुछ भी हो उन्हें खेलने दो. एंड इनडोर जैसे कि स्नेक एंड लैडर, बट बोर्ड शुड बी देयर, नॉट इन योर मोबाइल फोन. देन कार्ड गेम इज देयर. ओके, सो दिस गेम्स यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ओके, सो गेम्स मैटर्स अ लॉट इन योर एक्टिविटीज. सो थर्ड वन इज देयर हॉबीज. ओके, थर्ड वन इज ऑल अबाउट देयर हॉबीज. हॉबीज कुछ भी हो सकते हैं, हर एक की हॉबीज डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली. सो कोई भी हॉबी हो, डांसिंग, सिंगिंग, देन ड्रॉइंग वी कैन से, जो भी हॉबी है उसे आपको क्या करना है, एनकरेज करना है. कुछ नेगेटिव बोल के उन्हें डिस्करेज नहीं कर देना है. ओके, लाइक वी हैव नो आइडिया कल यही हॉबी उनको करियर पाथ तक लेके जा सकती है. सो ऑलवेज एनकरेज देम इन एवरी गुड एक्टिविटीज. ओके, सो कोई भी अगर ड्रॉइंग कर रहा है, कोई भी अगर कुछ क्राफ्ट बना रहा है, तो वॉट यू हैव टू डू,
यू हैव टू एनकरेज योर किड. ओके, क्योंकि हर एक बच्चा सेम नहीं होता. एवरी वन इज हैविंग डिफरेंट एबिलिटीज एंड डिफरेंट कैपेबिलिटीज. सो बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है, उन्हें मोटिवेट करना है. ओके, एज वी ऑल नो और एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज रनिंग ऑनलाइन. सो स्कूल्स में भी इवेंट जो है वो ऑनलाइन सेलिब्रेट हो रहे हैं. तो जो भी इवेंट है, डे सेलिब्रेशन है, उसके लिए आपको क्या करना है, एनकरेज करना है. सिंपली यू हैव टू एनकरेज देम फॉर देयर पार्टिसिपेशन. ओके, मतलब जो भी इवेंट है उसके लिए बच्चे प्रिपेयर करेंगे तो उतना टाइम दे विल गेट एंगेज विद देयर टास्क और देयर एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, इफ एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन इज देयर और ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन इज देयर, देन ऑब्वियसली दे विल गिव सम टाइम फॉर प्रैक्टिस. तो जितना टाइम वो प्रैक्टिस में देंगे उतना ही टाइम दे विल स्टे अवे फ्रॉम मोबाइल फोन. ओके, एंड सोलो एक्टिविटी एंड ग्रुप एक्टिविटी, दोनों भी एक्टिविटीज के लिए आपको क्या करना है, उन्हें मोटिवेट करना है. सी, इफ समवन इज डूइंग सोलली, ओके, मतलब सोलो एक्टिविटी कुछ हो रही है और उन्हें कुछ हेल्प करने के लिए नहीं है, तो ऑब्वियसली दे विल गेट हैबिट ऑफ फाइंडिंग आंसर्स बाय देयर ओन वे. ओके, मतलब उन्हें खुद से आंसर ढूंढने की हैबिट हो जाएगी या फिर वो चीज के लिए सॉल्यूशन ढूंढने की हैबिट हो जाएगी. ओके, इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप एक्टिविटीज, देन योर किड विल लर्न अ लॉट फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज. ओके, लाइक लीडरशिप, देन कम्युनिकेशन. ओके, देन वी कैन से यूनिटी. ये जो कुछ वैल्यूज है या फिर ये कुछ जो चीजें है अच्छी हैबिट से, वो सब चीजें दे विल लर्न फ्रॉम ग्रुप एक्टिविटीज. ओके, सो यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग, देन लीडरशिप, ये कुछ जो स्किल्स है दैट दे विल लर्न फ्रॉम देयर ग्रुप एक्टिविटीज. सो आपको उन्हें ग्रुप एक्टिविटीज के लिए भी एनकरेज करना है और सोलो एक्टिविटीज के लिए. ओके, देन नेक्स्ट इज अबाउट ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर किड. वॉट यू हैव टू डू, आपको बच्चों से कम्युनिकेट करना है, राइट? इफ दे आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, इफ दे आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स और एनी डिफिकल्टीज, अगर आप बच्चों से बोलोगे तो बच्चे फ्री अप हो जाएंगे. उनकी जो प्रॉब्लम है वो आपको बच्चे प्रॉब्लम एक्सप्रेस करेंगे और ऑब्वियसली उससे बहुत सी चीजों के लिए आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और बच्चों को भी सोल्यूशन मिल जाएगा. देन नेक्स्ट इज ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, what you have to do, you have to give them daily writing practice as per their age group. आपको क्या करना है, उन्हें थोड़ी writing practice देनी है. okay, 4 to 5 lines, 5 to 6 lines as per their age group. you have to give them 5 to 6 lines of writing. okay, suppose if they are studying in 5th to 7th standard, then you have to give 10 lines daily. okay, if you are like, if you talk about nursery kids or preschool, then daily you have to give some practice of letter or practice of tracing. Okay, as I have told you, as per age group or as per their ability, you can give them writing practice. Okay, if you give them daily writing practice, then it will help them to maintain और इम्प्रूव शेप ऑफ लेटर्स, देन राइटिंग स्पीड. ये जो चीजें हैं, ये चीजें वो धीरे धीरे सीख जाएंगे. शेप ऑफ लेटर्स ऑब्वियसली जब भी बच्चे छोटे रहते हैं तभी शेप ऑफ लेटर्स प्रॉपर नहीं रहता है, बट अगर आप उनको प्रैक्टिस दोगे तो शेप ऑफ लेटर्स मेंटेन हो जाएगा. ओ मराठा, या इफ दे आर फेसिंग प्रॉब्लम वाइल राइटिंग मराठी हिंदी. आई नो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर फेसिंग प्रॉब्लम वाइल राइटिंग मराठी इन हिंदी, हिंदी एंड मराठी. सो हिंदी और मराठी की 3 to 4 sentences आपको देना ही देना है फॉर एज ग्रुप 5 to 7. अगर वो डेली राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो उनका शेप ऑफ लेटर्स मेंटेन हो जाएगा. ओके, राइटिंग स्पीड हो जाएगी और राइटिंग भी नीट एंड क्लीन आएगी. ओके, बट फॉर दैट डेली प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. इट्स ऑल अबाउट गेम्स, इंडोर गेम. देर आर मेनी इंडोर गेम्स. ओके, सो in your house you can play treasure hunt game. okay, so simple you have to make cheats. okay, cheats banani hai, simple cheezon tak aapko pahunchna hai. to agar bacche nahi read kar pa rahe to wo cheat aapko read karke dikhani hai. so and so kuch cheez dhoondni hai ya fir kuch unke gift tak pahunchna hai,
तो ऐसे आप ट्रेजर हंट करोगे तो बच्चों की बहुत सारी स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगी। सो कुछ भी डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी पे वो लोग पाथ ढूंढेंगे। अगर आप उन्हें ऑडियो स्टोरीज सुनाओगे या फिर ऑडियो स्टोरीज बताओगे तो उनकी जो इमेजिनेशन पावर है इट विल गेट बूस्टेड। इमेजिनेशन पावर है वो उनकी बढ़ जाएगी। दे विल स्टार्ट इमेजिनिंग एवरीथिंग। वो इमेजिन करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल देर वॉज वन विलेज और वन प्रिंसेस, जो कुछ भी स्टोरी है वो इमेजिन करेंगे। सो इट विल हेल्प्स अ लॉट फॉर देयर डेवलपमेंट एंड देयर वी कैन से क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज, बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि हमारे बच्चे मोबाइल के सिवा खाना ही नहीं खाते। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। एट द टाइम ऑफ ईटिंग व्हाट यू हैव टू डू, उन्हें आप ऑडियो सुनाना है। एंड नाउ डेज देर आर मेनी सोर्सेस अवेलेबल फॉर ऑडियो एड्स और वी कैन से ऑडियो स्टोरीज। तो आपको क्या करना है, उन्हें कुछ ऑडियो स्टोरीज देनी है या फिर उन्हें कुछ दूसरी चीजों के साथ एंगेज रखना है, लाइक देयर फेवरेट टॉय। खाते खाते मोबाइल देखना या फिर मोबाइल के सिवा खाना नहीं खाना, दिस इज टोटली रॉन्ग थिंग। तो खाने के टाइम उन्हें मोबाइल नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, उन्हें कुछ ऑडियो कहानियां सुनानी है या फिर आप कुछ स्मॉल स्टोरीज है वो उन्हें बता के डाइवर्ट कर सकते हो। अगर पेरेंट्स जितना आप उनको बताओगे, आपसे जितना वो स्टोरीज सुनेंगे उतना उनका लव अफेक्शन भी बढ़ जाएगा एंड दे विल गेट इन्वॉल्व विथ योर स्टोरीज। एंड नेक्स्ट डे डेफिनेटली दे विल से कि कल की जो स्टोरी थी वैसी वाली स्टोरी सुनाओ। सो मतलब अल्टीमेटली वो ऑडियो सुनेंगे तो उनकी जो डेवलपमेंट है, माइंडसेट है या फिर क्रिएटिविटी भी कह से जो विजन है वो डेवलप हो जाएगी। टॉयज, गिव देम टॉयज टू प्ले। नाउअडेज देर आर मेनी एजुकेशनल टॉयज आर अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। बहुत सारे टॉयज रहते लाइक जिग्सॉ पजल, देन ब्लॉक्स गेम, बहुत सारे गेम्स अवेलेबल है। देन बॉल कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, ऐसे गेम अगर बच्चों को आप खेलने दोगे तो बच्चे क्या हो गए, इजिली गेम्स के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे टॉयज के लिए। बिकॉज टॉयज जो रहते हैं और जो गेम्स रहते हैं उनके, वॉट एवर टॉयज गेम्स, वो बहुत ही कलरफुल रहते हैं। सो बच्चे कलर्स के लिए जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। दे विल गेट अट्रैक्ट इजिली टू मेनी कलर्स। सो टॉयज जो रहते हैं वो कलरफुल रहते हैं, इंटरेस्टिंग रहते हैं। सो प्लीज आपको बच्चों को क्या करना है, टॉयज खेलने के लिए देने ही है। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू फॉर योर किड्स। एंड प्रीवियसली आई हैव अपलोडेड वन वीडियो रिलेटेड टू पेरेंटिंग टिप्स। सो आई हैव मेड जस्ट शॉर्ट वीडियो एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, लाइक पेरेंटिंग टिप्स और सम टिप फॉर किड्स, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। देन अगेन विल मीट विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय।